हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, अप्लाइड फिजिक्स कोड 1002, यूनिट फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर के टॉपिक एरर इन मेजरमेंट्स पर वीडियो लेक्चर बनाया है। इसमें सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर के साथ साथ एब्सोल्यूट एरर का भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के एरर इन मेजरमेंट्स, इसका जो इसके बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या आ सकता है, मापन में त्रुटि यानी एरर का क्या अर्थ है, त्रुटि के प्रकार समझाइए व परम त्रुटि से क्या समझते हो, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटि कितने प्रकार की होती है। अपने कोर्स में वैसे सिस्टमेटिक और रैंडम दो तरह की त्रुटि है, यानी क्रमबद्ध और यादृच्छिक, दो प्रकार की त्रुटि है, और एक स्थूल त्रुटि और होती है, तीन होती हैं। तो इसमें इसके बाद में जो परम त्रुटि है वो समझेंगे हम क्या होती है। सबसे पहले त्रुटि क्या है, एरर किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि का क्या अर्थ है। तो भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है, शुद्ध मान, एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, या यूँ कहें कि मानक स्टैंडर्ड जो मान होता है, मानक मान होता है वो, और प्रयोग से प्राप्त या मापे गए जो मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, उनका अंतर ही त्रुटि कहलाती है। किसी भी भौतिक राशि का जो शुद्ध मान, वास्तविक मान है वो, और प्रायोगिक मान है, प्रयोग से प्राप्त मान है, उनका अंतर, डिफरेंस ही त्रुटि कहलाती है, एरर कहलाती है। त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं, इसमें ये टाइप है तीन, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा है स्थूल त्रुटि। यानी क्रमबद्ध को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, यादृच्छिक को रैंडम एरर कहते हैं, और तीसरा है स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर। तो ये तीन तरह की त्रुटियां होती हैं। क्रमबद्ध को फिर पांच भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला है ये यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्र जो अपने पास है। दूसरा है व्यक्तिगत, यह है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट जो है यंत्र है उसके कारण है। व्यक्तिगत यह है पर्सनल, कोई पर्सन जो अपने पास है मिस्टेक करता है, पर्सनल एरर। और ये इम्परफेक्शन, पूर्णता की कमी, इम्परफेक्शन के कारण एरर। और ये एक्सटर्नल कोज है, एक्सटर्नल कोज बाह्य कारणों के कारण, और ये कॉन्स्टेंट एरर। ये पांच इसके अंदर भाग हैं, पांच भागों में इसको हमने बांटा है। तो इसमें क्रमबद्ध त्रुटि जो अपने पास है पहले उसका वर्णन करेंगे, इसके पांच पार्ट का वर्णन करेंगे, फिर यादृच्छिक त्रुटि है उसकी बात करेंगे, और फिर स्थूल त्रुटि को भी हम देखेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। तो
सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? वे त्रुटि जो सभी पाठ्यांकों यानी जो भी हम रीडिंग लेंगे, जो भी किसी राशि का मापन करेंगे, उनके सभी पाठ्यांकों में विद्यमान होती है, वह अवश्य उपस्थित रहती है। हर रीडिंग के अंदर जो है वो त्रुटि आती है, तो उसको क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक त्रुटि कहते हैं, वह क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। इस प्रकार की त्रुटियों का कारण क्या है, हमें ज्ञात रहता है। जो भी कारण हो वो हमें नॉन है, ज्ञात रहता है, इसलिए इन त्रुटियों को हम कम कर सकते हैं, उस कारण को हम दूर कर इन त्रुटियों का हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि जो है उसके पांच टाइप है। पहला है यंत्रों के कारण, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट्स के कारण। तो इंस्ट्रूमेंट्स में कई बार डिफेक्ट आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरल जो अपने पास है फैक्ट्री के अंदर बनते टाइम ही जो उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है उनकी। तो यह त्रुटि यंत्रों की बनावट या निर्माण में डिफेक्ट, कमी, त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स हैं या स्क्रू गेज है आदि उपकरणों की बनावट में कमी के कारण उनके मुख्य पैमाने व वर्नियर या वर्ताकार पैमाने के शून्य जो होते हैं वो संपाती नहीं हो पाते हैं, जिससे शून्यांक त्रुटि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की त्रुटि या तो बिना डिफेक्ट वाले या कमी वाले जो उच्च गुणवत्तापूर्ण है उपकरण उनका उपयोग करो, या प्रत्येक रीडिंग में से वो जो त्रुटि है उसको माइनस कर दो। तो इस प्रकार के यंत्रों के कारण त्रुटि को हम अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। इस प्रकार की त्रुटि किसी भी व्यक्ति या प्रैक्टिकल करने वाले ऑब्जर्वर जो होता है, प्रयोगकर्ता जो होता है, प्रयोग करने वाले के अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जैसे किसी उपकरण का ठीक प्रकार से एडजस्टमेंट नहीं करना, या उपकरण को असावधानी पूर्वक रख करके पाठ्यांक लेना, या पाठ्यांक लेना नहीं आता हो, जिससे मापन में त्रुटि उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की जो त्रुटि हैं उनको पर्सनल या व्यक्तिगत एरर कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति जो है सावधानी पूर्वक एडजस्टमेंट करे और सही से रीडिंग ले तो इस तरह की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। तीसरा है पूर्णस्थता की कमी के कारण, इम्परफेक्शन के कारण। तो इस प्रकार की त्रुटि तब होती हैं जब किसी प्रैक्टिकल में कोई आइडियल कंडीशन चाहिए और वो हम नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण जो कमी त्रुटि आती है उसको इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, पूर्णस्थता की कमी या पूर्णता के कारण त्रुटि कहलाती है। तो वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, पूर्णता की कमी के कारण त्रुटि कहलाती हैं। जैसे न्यूटन के शीतलन का नियम है, उसमें गर्म पानी को चालन विधि द्वारा ठंडा करना होता है, लेकिन कुछ रेडिएशंस जो अपने पास निकलती हैं यानी विकिरणों के द्वारा भी उसका ताप गिरता है। हम उसको कुचालक पदार्थ से लपेट दें, चारकोल कंबल से लपेट दें और किसी लकड़ी के बॉक्स में रख दें, उसके बावजूद भी कुछ ऊष्मा विकिरण के द्वारा बाहर निकलती है,
हम चाहकर भी इस विकिरण के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं रोक पाते हैं, पूर्णतः की कंडीशन जो अपने पास हम नहीं लगा पाते हैं, तो उसके कारण जो है कुछ त्रुटि आ जाती है। तो यह पूर्णतः विकिरण रहित रख पाना इस प्रैक्टिकल में संभव नहीं होता, अतः प्रयोग में त्रुटि आ जाती है। तो इस तरह की कुछ आइडियल कंडीशंस न होने के कारण भी कुछ त्रुटि आती है प्रैक्टिकलों में, मापन में, तो उसको कहते हैं पूर्णता की कमी के कारण त्रुटि। अगला जो हमारे पास है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, यानी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे प्रयोग के समय ताप, दाब, वायु का वेग, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आदि जो अपने पास हैं, ये एक्सटर्नल कारक हैं, फैक्टर हैं, बाह्य कारक हैं। उनमें परिवर्तन हो जाने पर भी मापन में त्रुटि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार होने वाले त्रुटि को कम करने के लिए इन बाह्य कारकों के प्रभाव को कम करना होता है। बाह्य कारकों के इफेक्ट को, प्रभाव को अगर हम कम कर दें तो इस तरह की त्रुटि जो मेजरमेंट में है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद में हमारे पास है नियत त्रुटि, कॉन्स्टेंट एरर। जब सभी प्रेक्षणों में एक ही त्रुटि समान रूप से आए, उसकी समान रूप से पुनरावृत्ति होती, रिपीटेशन होता है, तब वह नियत त्रुटि कहलाती है। और उस त्रुटि को हम प्रत्येक पाठ्यांक में से माइनस कर देते हैं, उसको घटाना आसान है। तो ये क्रमबद्ध त्रुटि के 5 भाग थे। दूसरा जो हमारे पास है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि दूसरा टाइप है। रैंडम का मतलब यह है कि कोई नियमित नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। रैंडम का मतलब यह है कि कभी किसी प्रैक्टिकल में मापन में त्रुटि आ गई, कभी किसी मापन में त्रुटि नहीं आई, किसी मापन में त्रुटि कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है, तो कोई निश्चितता नहीं है, कोई भी उसका निश्चित मान त्रुटि का नहीं है। तो इस प्रकार की त्रुटि किसी पाठ्यांक में कम व किसी पाठ्यांक में अधिक प्राप्त होती है, अतः इन्हें अवसरीय एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, त्रुटि भी कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए प्रैक्टिकल को, प्रयोग को, मापन को बार बार दोहराते हैं और फिर सभी पाठ्यांकों का औसत, एवरेज, मीन ले लेते हैं, उनका माध्य वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जो माध्य वैल्यू होता है लगभग सही मान आता है, शुद्ध मान आता है, वास्तविक मान कहलाता है, जिससे त्रुटि अल्प रह जाती है। माना किसी राशि के लिए लिए गए n पाठ्यांक है हमारे पास, उनके मान n पाठ्यांकों के मान मान लीजिए a1 a2 a3 an है, तो शुद्ध मान उनका कैसे आएगा? औसत और माध्य जो अपने पास है वो हम निकाल लेंगे। एवरेज जो अपने पास है उसका फिजिकल क्वांटिटी का a का औसत मान a बार बराबर a माध्य भी कहते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, सभी को जोड़ लेंगे और उसमें n का भाग दे देंगे, जो अंकगणितीय माध्य औसत निकालते हैं वो निकाल लेंगे। तो वही इसका वास्तविक मान, शुद्ध मान, ट्रू वैल्यू होगी। तो ये था हमारे पास रैंडम एरर। तीसरा है स्थूल त्रुटि, ग्रोस एरर। तो व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि उत्पन्न होती है वह स्थूल या संपूर्ण त्रुटि कहलाती है, ग्रोस एरर या कंप्लीट एरर। आदमी जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी लापरवाही के कारण, असावधानी के कारण जो त्रुटि आती है, मापन में त्रुटि आती है, वो स्थूल त्रुटि कहलाती है। ये त्रुटि निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उनको बिना एडजस्ट किए
समायोजन के पाठ्यांक ले लेना तो त्रुटि निश्चित रूप से गलती आएगी, डिफर आएगी। दूसरा है पाठ्यांक लेने का तरीका गलत होना। अगर आप गलत तरीके से पाठ्यांक लेते हो तो भी, जैसे मान लीजिए एमीटर या वोल्टमीटर की रीडिंग लेनी है तो उसका जो इंडिकेटर है उसके ठीक ऊपर जा करके नहीं देखेंगे, साइड से तिरछा देखेंगे तो रीडिंग गलत बताएगा। पाठ्यांक लेने का जो तरीका है वो गलत हो, या पाठ्यांक लिखने में गलती कर दें, पाठ्यांक जो अपने पास है लिखते समय गलती हो जाए, या फिर गणना करते टाइम कैलकुलेशन में जो अपने पास गलत मान रख दे तो उससे भी जो है आंसर गलत आता है, यानी हमारे जो मान है वो गलत हो जाते हैं। तो ये जो है सावधानी है, व्यक्तिगत जो अपने पास यह सावधानी है उसको, उसके कारण त्रुटि को स्थूल त्रुटि कहते हैं। अब आती है बात परम त्रुटि की, एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि, इसे निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। परम त्रुटि को एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। किसी राशि के वास्तविक मान ट्रू वैल्यू तथा प्रायोगिक मान का अंतर परम त्रुटि कहलाती है। वास्तविक मान और प्रैक्टिकल से प्राप्त मान का जो अंतर है उसी को हम त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। तो इसको इस प्रकार देख सकते हैं, यदि A1, A2, A3, An किसी प्रेक्षक द्वारा, व्यक्ति द्वारा लिए गए n पाठ्यांक हैं, किसी भौतिक राशि A के n पाठ्यांक हैं, तो इनका माध्य निकाल लेंगे वही इसका शुद्ध या वास्तविक मान होगा। तो पहले तो इनका एवरेज ले लेंगे, सभी को जोड़ के n का भाग दे देंगे तो वो तो इसका एवरेज वैल्यू हो गया, शुद्ध वैल्यू हो गया। उसके बाद में प्रत्येक पाठ्यांक को इस एवरेज से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास परम त्रुटि आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज लेते हैं। एवरेज A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An अपॉन N। तो ये औसत निकाल ली हमने, मीन वैल्यू, ए मीन या ए बार, ये माध्य आ गया, माध्य, इन सभी पाठ्यांकों का औसत ले लिया। तो ये लगभग शुद्ध मान ही होता है। अब किसी भी पाठ्यांक का राशि की परम त्रुटि की परिभाषा यह है कि औसत मान में से उस पाठ्यांक को अगर घटा दें, ए बार माइनस A1, तो डेल्टा A1, डेल्टा से इसको डिनोट करता है, डेल्टा A1 पाठ्यांक A1 का परम त्रुटि हो गया। इसी प्रकार A2 पाठ्यांक की परम त्रुटि, ये तो हमारे पास है A1 पाठ्यांक A1 की परम त्रुटि। A1 की परम त्रुटि डेल्टा A1 बराबर A1 बार माइनस A1। इसी प्रकार A2 पाठ्यांक की परम त्रुटि, औसत में से, शुद्ध मान में से, A-बार में से A2 घटा देंगे। इसी तरह से A3 की परम त्रुटि डेल्टा A3, तो ये औसत में से A3 घटा देंगे। इसी तरह से An की जो है परम त्रुटि डेल्टा An बराबर A-बार, A का जो औसत वैल्यू है, मीन वैल्यू है, उसमें से An घटा देंगे। तो किसी भी पाठ्यांक को, किसी भी मेजरमेंट को, मापन को उसके औसत मान, सभी पाठ्यांकों को औसत में से घटा दें तो वो उस रीडिंग का, पाठ्यांक का परम त्रुटि आ जाती है। ये परम त्रुटि निकालने का तरीका है। परम त्रुटि का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, परंतु परम त्रुटि का जो मैग्नीट्यूड है, मापांक है, परिमाण है, डेल्टा A का मॉडुलस, ये हमारे पास मापांक है, दो डंडियों के बीच में इसको हमने रखा है, हमेशा धनात्मक होता है। डेल्टा A का जो अपने पास मोड है, मॉडुलस है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको एक उदाहरण से हम देख सकते हैं। तो ये उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण में है, हमने कांच का अपवर्तनांक मेजर किया है, तो उसकी ये 5 पाठ्यांक हैं।
तो पहले पाठ्यांक में इसका मान आया है म्यू का अपवर्तनांक का 1.52, दूसरे में आया है 1.48, तीसरे पाठ्यांक में 1.5, चौथे पाठ्यांक में 1.54 तथा पांचवें पाठ्यांक में है अपवर्तनांक का मान 1.46। तो ये पांच पाठ्यांक अपवर्तनांक के लिए गए हैं, तो इनकी परम त्रुटि की गणना करनी है। परम त्रुटि की गणना करो कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन पाठ्यांकों का माध्य मीन निकाल लेंगे, औसत ज्ञात कर लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे, पाँच का भाग दे देंगे। तो इनका सभी का जोड़ है वो आया 7.5, और इसमें पाँच का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.5। सबसे पहले जो माध्य है औसत है वो ज्ञात कर लेंगे, सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या जो हम 10वीं क्लास से देखते आए हैं वो है। उसके बाद में परम त्रुटि निकालने का तरीका क्या है, ये जो माध्य औसत या शुद्ध मान आया है इसमें से प्रत्येक रीडिंग को घटा देंगे। तो जैसे 1.5 में से पहली रीडिंग 1.52 को माइनस किया तो ये आएगा माइनस में, -0.02। तो ये म्यू वन प्रथम पाठ्यांक का परम त्रुटि आ गया। इसी तरह से म्यू टू का परम त्रुटि निकालने के लिए औसत में से माध्य में से 1.5 में से दूसरी रीडिंग पाठ्यांक घटा देंगे, 1.48 घटाएंगे तो आएगा +0.02। इसी तरह से तीसरे पाठ्यांक का परम त्रुटि निकालना है तो माध्य औसत में से तीसरा पाठ्यांक घटा देंगे तो वो आएगा 0.00। चौथे पाठ्यांक का परम त्रुटि निकालने के लिए 1.5 में से माध्य औसत में से 1.54 चौथा पाठ्यांक घटा देंगे तो आ जाएगा -0.04। इसी तरह से पाँचवें रीडिंग का पाठ्यांक का जो एरर है वो लेना है तो 1.5 में से पांचवा पाठ्यांक हम 1.46 घटा देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.04। तो इस प्रकार प्रत्येक पाठ्यांक की परम त्रुटि हम निकाल सकते हैं जो कि अलग अलग होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि त्रुटि जो हमारे पास है वो तीन प्रकार की हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा जो हमारे पास है रैंडम यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा स्थूल त्रुटि। अब परम त्रुटि निकालने के लिए जो हमने तरीका बताया है कि वो सबसे पहले उनका औसत निकालते हैं, फिर प्रत्येक पाठ्यांक को औसत में से घटा देते हैं तो परम त्रुटियां आ जाती हैं। धन्यवाद।